सांसद अनुराग ठाकुर ने अपने जनसंपर्क अभियान के तहत देहरा विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर करीब 4.25 करोड़ की विभिन्न विकास योजना के लोकार्पण और शिलान्यास किए। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्र सरकार ने देश के चहुमुखी विकास और देश के नागरिकों के कल्याण के लिए कई कदम उठाए हैं। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के सांसद अनुराग ठाकुर ने अपने जनसंपर्क अभियान के तहत देहरा विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने देहरा में शहरी विद्युत प्रणाली के सशक्तिकरण के लिए महत्वपूर्ण योजना का शुभारंभ किया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि इस योजना के तहत नगर परिषद देहरा में नए उपकेंद्रों का निर्माण, बिजली के ट्रांसफार्मर की स्थापना व बिजली की तारों को भूमिगत किया जाएगा, जिससे बिजली की क्षमता में सुधार होगा और इस योजना से तकरीबन 5200 परिवारों को लाभ मिलेगा। सांसद ने कहा कि इस योजना से नगर परिषद की जनता को रोज रोज आने वाली समस्याओं से निजात मिलेगी। इसके साथ ही अनुराग ठाकुर ने कहा कि केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के 4.5 साल के कार्यकाल में देश में विकास को गति मिली है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्र सरकार ने देश में चहुंमुखी विकास और देश के नागरिकों के कल्याण के लिए कई कदम उठाए हैं। इसको प्रदेश और केंद्र की सरकार के साथ उठाया और मोदी सरकार में हमने दो योजनाएं, एक IPDS जो शहरी क्षेत्रों के लिए है, दूसरी दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना जो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है, इन दोनों के अंतर्गत सैकड़ों करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश के लिए मंजूर करवाए। आज देहरा के लिए केवल शहरी क्षेत्र के लिए 3.17 करोड़ रुपए की इस योजना का शिलान्यास किया गया है, उस पर मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मुझे पूर्ण विश्वास है, जैसा पहले एक्शन साहब ने कहा, कि इससे आपकी बिजली की समस्याओं का समाधान होगा। बहुत सारे पोल पुराने हो जाते हैं, LT लाइन ST लाइन खराब हो जाती है, ट्रांसफॉर्मर्स की समस्या आती है। आप कल्पना कीजिए, एक ट्रांसफॉर्मर बदलवाने के लिए हमें कई कई महीने लग जाते थे कि ट्रांसफॉर्मर बदला जाए, और वो मांग उठाकर प्रदेश सरकार के पास बार बार जाते थे। 5 साल पिछली सरकार के निकल गए, लेकिन हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ। लेकिन आज मैं इस मंच से कहना चाहता हूं कि नए यहां पर 6-7 ट्रांसफॉर्मर लगेंगे और पुराने 6 ट्रांसफॉर्मर्स की ऑगमेंटेशन होकर 13 नए और पुराने ट्रांसफॉर्मर्स यहां पर लगेंगे। उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। सिटी चैनल के लिए देहरा से गुलशन धनोआ की रिपोर्ट।